हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से मुतलका DDHO साथ हैं, उनकी जानिब से शाफ क्लिनिक जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उनको नोटिस सर्व कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये नोटिस डॉक्टर मुकद्दर साहब की सरबराही में हेल्थ केयर कमीशन की टीम, मुतलका DDHO 1122 और पुलिस, पंजाब पुलिस का महकमा जो है, ये सारे इदारे आज मुआयना करने आए थे शाफ रिहैबिलिटेशन सेंटर का, जिन्हें वार्निंग नहीं दी गई, नोटिस सर्व किया गया और 24 घंटे के अंदर अमल दरामद इस नोटिस पे करवाना जो है वो जरूरी होगा। और 29 पेशेंट्स इस वक्त जो है वो एडमिट हैं, 30वां पेशेंट एडमिट नहीं हो सकता जब तक हेल्थ केयर कमीशन अलाउ नहीं करेगा। यहाँ मरीज एडमिट करवाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ जी हम इस वक्त उमर ब्लॉक मौजूद हैं और इकबाल टाउन के अंदर ये मौजूद है और यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर था जहाँ हेल्थ केयर कमीशन की टीम की सरबराही में, डॉक्टर मुकद्दर साहब की सरबराही में इधर इनको, इनका मुआयना किया गया। 1122 हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, मुतलका DDHO हमारे साथ हैं और यहाँ सूरत हाल ये थी कि HIV यानी एड्स और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को इकट्ठा रखा गया और भी बहुत सारी वॉयलेशंस हैं और इनको वार्निंग नहीं दी गई, इनको नोटिस जारी किया गया और ये अपना मुकदमा हेल्थ केयर कमीशन जाके अब लड़ेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ अब मजीद मरीज जो हैं एडमिट करने पर पाबंदी लगा दी गई है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, मुतलका DDHO की जानिब से पाबंदी, इन्हें पाबंद कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप हमारे जितने भी एलिगेशंस हैं जो SOPs की वॉयलेशंस हुई हैं उन पर पूरा नहीं उतरेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको सील कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर आप कोई पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। 29 पेशेंट यानी 29 पेशेंट इस वक्त एडमिट है और ये 30 नहीं हो सकते अब जब तक हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से प्रॉपर अप्रूवल इन्हें नहीं दिया जाएगा। पेशेंट एडमिट करने पर पाबंदी इधर लगा दी गई है और साथ इन्हें नोटिस भी सर्व किया गया। DDHO हमारे साथ मौजूद हैं, सजाद काजमी मौजूद हैं, सलमान काजमी साहब, 1122 का अमला, पुलिस, हाई ऑफिशियल्स, इनके सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। DDHO साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो नोटिस सर्व किया क्या उसमें बात है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सारे अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा जो हम लोग सारे सुबह से आए, पुलिस, रेस्क्यू और लाहौर न्यूज़ चैनल का, कि आपने हमें जो है मौका दिया और इसमें जो है एक इंसानियत की खिदमत थी जिसका अज़म लेके आज हम आए थे। जो बेसिक इधर जो हैं मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो इधर मिले हैं हमें, जिसमें सफाई सुथराई का फुकदान, उससे लेकर मरीज़ जो हैं उनको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, वॉयलेंस, तशद्दुद की जो है शिकायतें, इसके अलावा सबसे बड़ा इशू जो है इधर वो ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस सी के 5 मरीज़ और HIV एड्स का एक पॉजिटिव मरीज़ वो इधर दाखिल है, TB का भी एक मरीज़ दाखिल है। उसमें सबसे बड़ी बात इन चीज़ों की ये होती है कि इन ऐसे मरीज़ जो हैं उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि ये जरासीम इन अमराज के दूसरे मरीज़ों में ना फैलें। और इसके अलावा जो है मेडिसन्स का बहुत इशू था, इन्होंने खुली अदवियात पुड़ियाँ बना कर रखी हुई हैं जो जाहिर करती हैं जो मेडिसन्स वगैरह इधर दे रहे हैं उनकी नाअहली, और फिर इवन मेडिसन्स की एफिकेसी जो है, जो उनकी अफादियत है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, निशान है कि इधर जो ये अदवियात दे रहे हैं वो कारगर होंगी, साबित होंगी। 29 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो, कोई मरीज़ जो है अब एंटर नहीं होगा, दाखला बंद है। 24 घंटे का इनको लास्ट नोटिस जो है वो इनको सर्व कर दिया गया है। अगर 24 घंटे में ये जितने 5 मरीज़ थे जिनके टेस्ट नहीं हुए हुए थे किसी किस्म के, स्क्रीनिंग ज़ीरो थी, उनकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स भिजवाएंगे। उसके अलावा सफाई के इंतजाम बेहतर किए जाएं, वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो और जो है उसके इकदाम बेहतर करें, और सबसे बड़ी बात जो HIV और हेपेटाइटिस सी फैलने वाले अमराज हैं जिस पे हुकूमत जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रही है उनकी रोकथाम के लिए, उन मरीज़ों को अलहदा जो है वो रखा जाए। तो बाकी जो है इनको 24 घंटे का है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है और DDO जमनाबाद टाउन, मैं, हेल्थ केयर कमीशन, हम सारे इन पे वॉच रखा हुआ है, इनको हम देखेंगे और अगर ये नहीं होगा तो इंशाल्लाह ये सील होगा। ये जनाब अली, ये लायक अली चौधरी मेरा नाम है,
मैं पिछले 4 महीने से इनके पीछे लगा हुआ हूँ। इन्होंने बहुत तंग किया है, साथ हमारी दीवार के साथ दीवार है। रात को ये तशद्दुद करते हैं लोगों के ऊपर, नशेई लोग हैं, जैसे आपने बताया 30 के करीब लोग हैं अंदर। तो अभी मुझे पता चला कि ये हेपेटाइटिस और उसमें भी एड्स में भी है, तो ये तो हमारे लिए और ही ख़तरनाक चीज़ हो गई है। हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू हैं, बेटी हैं, साथ हम रहते हैं, तो ये तो किसी कीमत पे भी हम इनको यहाँ काम नहीं करने देंगे। हम बहुत तंग हैं। 10 दरख्वास्त मैंने दी हुई हैं, वज़ीर आला उस मैंने गया हूँ, LDA में मैंने दी है, हेल्थ कमीशन में, हेल्थ केयर कमीशन में दी है, SHO को दी है, SP को दी है। तो मेरा जनाब अली हमारा घर है, हमारे लोग तंग हैं, 10 लोगों के वायलेशन है ये पूरी, और ये एरिया कमर्शियल नहीं है, सबसे बड़ी बात है कमर्शियल नहीं है। ये मिले हुए हैं उन लोगों के साथ और काम यहाँ कर रहे हैं, आए दिन ये बोर्ड कभी उतारते हैं कभी लगाते हैं, तो आपकी मेहरबानी है। हमारी तो लगा हुआ बोर्ड, वो बोर्ड भरा हुआ, वो देखें बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उल्टा के रखा हुआ है जी। तो आपकी मेहरबानी है, हमारी दादरसी की जाए, हम बहुत ज्यादा तंग है, अहले मोहल्ला सारा तंग है, पिछले लोग बहुत ज्यादा तंग है इनसे। ठीक है जी, आपकी मेहरबानी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स को चलने दिया जाएगा तो ये मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। अगर HIV और अगर ये कितना खतरनाक है, कितना मोहलक है HIV और हेपेटाइटिस सी के मरीजों का, आप अगर इकट्ठा रखें कितना मोहलक है? सबसे ज्यादा मसला जो TB का केस है, ओपन केस है अगर, वो तो वो खांसी करके लोगों को औरों को ट्रांसमिट कर सकता है। हेपेटाइटिस BC का तो खून के जरिए ट्रांसमिशन है, वो कोई नीडल शेयरिंग होगी या कोई चोट लग जाए किसी से, एक दूसरे को खून की ट्रांसमिशन हो तो फिर इकट्ठे रहें तो कोई भी इम्कान हो सकता है, बांट सकते हैं। ये एडिक्ट हैं, इनके बाकी मामला ऐसे हैं, इनको साइकेट्री के अमराज भी हैं साथ। साइकेट्रिस्ट का जो बल्कि मोहर है, जो डॉक्टर मौजूद हैं, सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, वो भी मेरे ख्याल है बुलाए गए हैं, जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने उन्हें बुला लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं ठीक हो रही, और मेरा ख्याल है कि ये मुझे सजाद चौबीस से बात करनी है, फिर ऐसे जो साहब से बात, अगर ये नहीं ठीक होता तो हेल्थ केयर कमीशन को चाहिए कि 24 घंटे में इन्हें सील कर। ठीक है जी काजमी साहब, क्या क्या वायलेशन आपने देखी? सर वायलेशन तो सबसे पहली बात जो इनके हमसाए ने बताई कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इसके अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये ना तो हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है, ना DDHO की जिम्मेदारी है, और ना किसी की, ये सिर्फ LDA की जिम्मेदारी है कि वो इस वायलेशन को, आप सबसे पहली वायलेशन है कि आप इस कोठी के अंदर दाखिल होते हैं जिसको इन्होंने क्लिनिक और अस्पताल का नाम दिया, इस पर कोई बाहर बोर्ड नहीं है ऐसा कि गुजरने वाले को पता चले कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यानी कि ये एक बेईमानी की हद है कि आप इसको छुपा के इसका इलाज कर रहे हैं। उसके बाद आप अंदर जाएँ तो ये वाहद रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट मौजूद ही नहीं है, यानी साइकेट्रिस्ट ऑनलाइन है अभी, वो कहते हैं अभी उनसे बात हुई है, इन्होंने पता नहीं खुद मोहर रखी हुई उनकी या क्या करते हैं, वो तो कहते हैं जब बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, जबकि SOPs जो हैं हेल्थ केयर कमीशन के उसके मुताबिक डेली जो है साइकेट्रिस्ट का विजिट जरूरी है। अगर इसी तरह आप देखें कि जो मेडिसिन दे रहे थे वो खुली दे रहे थे ओपन, उसमें ये नहीं पता था इसमें मल्टीविटामिन कौन सी है, इनको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है कौन सी नहीं, कोई पाउडर बना के देते हैं, कभी खुली दवाई देते हैं जो कि वायलेशन है। अगर वो पुड़ियाँ बना के आपने रखी हैं उसकी आप देखें कि उसकी मियाद कितनी है, कि कितनी देर वो बाहर रह सकती है अपने पत्ते से अंदर, जो कोटेड पत्ता होता है उसे बाहर जब निकालेंगे तो वो जहरीली भी हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह वायलेशन आपने देखी है कि सफाई का बुरा हाल है, और जो एड्स हेपेटाइटिस TB के मरीज एक ही जगह पे इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी वायलेशन है। और आपने तहखाने में जाके देखा है, जो बेसमेंट के नाम से है उसमें देखें कि छड़ियां पड़ी हुई हैं, सोटियां पड़ी हुई हैं, वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाए रस्सियां भी हैं, और मोहल्लेदारों को चीखों की आवाज जाती है, यानी कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने दुरुस्त किया हुआ है? ये तमाम की तमाम जो वायलेशन है, और इस वायलेशन के तहत हेल्थ केयर कमीशन ने इनको 24 घंटे दिए कि 24 घंटे के अंदर अगर ये तमाम जो वायलेशन है ये खत्म ना की गई तो इनको सील कर दिया जाएगा। जी ऐसा जो साहब, क्या आपको कंप्लेंट आती है? इन्होंने कंप्लेन की थी आगे मेरे इनके रहाय साथ है काफ़ी दिनों से, मैं जहाँ परेशान लोग रात को ना शोर की आवाज़ आती है, बच्चों के रोने की तशद्दुद की आवाज़ें आती है, इन्होंने टेक्स रिमूव की है, फिर हमने हेल्थ केयर सेंटर से आपके साथ रब्ता किया, इनसे मिलकर आगे हमने ये ऑपरेशन किया, आपके सामने जो बातें हमने देखी हैं, यहाँ पर TB का पेशेंट भी है, एड्स का भी है, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, जिससे हमारे बहुत परेशानी का बायस बन गया ये मसले, ऐसी चीज़ों को तो कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि इसको सील करना चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला किया गया और वार्निंग नहीं दी गई, इनको नोटिस सर्व किया गया, और उस नोटिस के होते हुए 24 घंटे के अंदर इन्हें ना सिर्फ जो भी इनके पास जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उन्हें पूरी करना होंगी, बल्कि अब ये पेशेंट एडमिट नहीं कर सकते जब तक हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इनको अलाउ ना किया जाए, जब तक इन्हें इजाज़त ना मिले। फाद शहबाज खान को उमर ब्लॉक इकबाल टाउन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।